आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान सामरी। उसी दौर राजा हरिमान सिंह अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में शाही बग्घी टूट गई। और कितनी देर लगेगी कोचवान? बस थोड़ी सी देर और महाराज। राजकुमारी रूपाली कहाँ गई? अभी तो यहीं थी महाराज। रूपाली, रूपाली! राजकुमारी साहिबा, रूपाली, इतनी रात गए उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सामरी का इलाका है, क्या मुंह देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ रूपाली। इल्जाम है तुम पर कि तुमने नौजवान शादीशुदा दोषिताओं को लिबास से बेनियाज किया और उन्हें बेआबरू किया। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी प्यास को बुझाने के लिए मासूम और बेगुनाह बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया और उनका खून चूसा। तुमने इंसानियत से गिरी हुई वो जलील हरकत की है जो एक शैतान भी नहीं कर सकता। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए मुकद्दस कब्रों को खोदा और लाशें निकाल कर खाई। महाराज, इसे जान से मार दिया जाए, नहीं इसे दीवार में चुनवा दिया जाए। महाराज, मेरी विचारधारा ये कहती है कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। नहीं गुरुदेव, इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा ताकि ये सर और ये जिस्म फिर कभी आपस में मिलने ना पाए। एक विनती है महाराज, उस कटे हुए सर के साथ शंकर के इस त्रिशूल भी रखा जाए
ताकि उस शैतान की हर ताकत इस त्रिशूल के सामने बेअसर हो जाए। राजा हरमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। बालीघाट के भगवान शंकर के मंदिर के पीछे उस शैतान का जिस्म दफनाया गया। उस शैतान के सर को एक संदूक में रखा गया, उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। और इस तरह सामरी के खौफ दहशत की दास्तान तहखानों के अंधेरों में गर्क हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। उनके बाद रियासत की बागडोर राजा पृथ्वीपाल सिंह के हाथों में आ गई। और समय की रफ्तार में आए राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के बाद आखिर उस राजगद्दी पर ठाकुर रणवीर सिंह विराजमान हुए। वक्त की तेज आंधी हवेली के गुंबदों पर छा गई। यह हवेली एक फूली बिसरी दास्तान बनकर रह गई। जिंदगी हवेली और रजवाड़ों को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगी। राजा हरिमान सिंह के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह। वही ठाट बाट, वही शानो शौकत आज भी बरकरार है, मगर सामरी के कहर का खौफ आज भी ठाकुर रणवीर सिंह के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ठाकुर साहब, इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। पेन लाइए। जवाहर 100 मिल्स को पेमेंट पहुंचा दी? यस सर, थैंक यू सर। दमयंती, सुमन कॉलेज गई? पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं।
आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है जो आज चले जाएगी? और हम भी क्लब से जल्दी भागे चले आ रहे हैं कि हमारी नन्नी सी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या बाबा, आप अभी तक हमें नन्नी मुन्नी गुड़िया कहते हैं, देखो हम कितने बड़े हो गए, आपके कंधे तक आते हैं। भाई साहब, बिटिया बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई? अरे क्या बात है पापा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कॉलेज में देर तो नहीं हो रही है। ओके पापा, बाय पापा। बाय बाय मौसी। के दिल का दर्द समझती हूँ भाई साहब, काश मैं आपका दुख बांट लेती। इस दुनिया में हर बाप अपनी औलाद के जवान होने की दुआ मांगा करता है, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो हमेशा चाहता है कि इस घर में कभी शादी की शय नहीं ना बजे। भाई साहब, सिर्फ इस हवेली के कर्ज से। तो आ गए नवाब साहब, पता है पूरे एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। क्या देख रहे हो? सिर्फ एक क्लोजअप। हर वक्त क्लोजअप के ही चक्कर में रहते हो, शरारती कहेंगे। छोड़ो छोड़ो प्लीज। सॉरी भाई साहब, गलती आपकी नहीं, दरअसल मैं भी वही देख रहा था जहाँ आप देख रहे थे। अबे साले, घुमा के दूंगा एक। अबे लल्लू, तू अभी तक तस्वीरें खींच रहा है? जाने रुकावट क्या है? हीरोइन का बाप। यानी ठाकुर साहब को तुम दोनों के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया? अभी कहां यार, मतलब ये कि तुम अभी तक ख्वाब ही देख रहे हो? बेटा जरा जल्दी करो, वरना जब ऐसे ख्वाब टूटते हैं ना तो नीचे सिर्फ बिस्तर रह जाता है। लो तुम्हारा ख्वाब आ गया। हाय आनंद, हाउ आर यू? फाइन। भाभी कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कानापूसी हो रही है? ये महाशय मुझे बिस्तर दिखा रहे थे। बिस्तर? मैं समझी नहीं। अकेले में समझाऊंगा। पापा, पापा हम आ गए। I'm sorry पापा, हम आज फिर लेट हो गए ना? पापा दरअसल बात ये हुई, वो हमारी पुरानी सहेली है ना, निकी निकी, वो मिल गई, जबरदस्ती हमें अपने घर ले गई। और उसकी मम्मी डैडी है ना, उन्होंने तो हमें रोक ही लिया और कहा कि खाना खाए बगैर तुम घर जा ही नहीं सकती। आपने खाना खाया पापा? ये तस्वीर किसकी है? ये संजय है पापा, बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर आप उसे मिलेंगे तो... तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगी। पापा पापा प्लीज, आप एक बार उससे मिल लीजिए। पापा पापा वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पापा बहुत ही शरीफ है, पापा एक बार उससे मिल लीजिए। आई एम श्योर यू लाइक हिम पापा, प्लीज। ठाकुर रणवीर सिंह के खानदान का खून अभी तक इतना पतला नहीं हुआ जो शहर के किसी गंदे नाली में बह जाए। मैं जानता था सुमन, एक दिन तुम्हारा ये अमीर बाप हमारे बीच एक चांदी की दीवार खड़ी कर देगा। फिर भी संजय, तुम एक बार पापा से मिल क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे मिलने के बाद उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं सुमन,
मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। चिराग झोपड़ी में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। कितने पैसे लोगे? बोलो कितने पैसे लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से हट जाने के लिए? ठाकुर साहब, प्यार करने वाले सौदा नहीं करते। एक तो ठाकुर खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो, ऊपर से समान तराजी कर रहे हो। बंद कर दो इसके समान। छोड़ दो, छोड़ दो पापा, प्लीज छोड़ दो। संजय, मेरे दोस्त को मारता है। आओ साले ठाकुर के कुत्तों, हरामजादों, भागते करो। भाग गए साले। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब सुमन तुम्हें चाहती है तो ठाकुर साहब को क्या एतराज है? एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। हम ठाकुर खानदान की शान और मर्यादा का खून नहीं कर सकते। लेकिन इस बच्ची का खून कर सकते हैं। इस बच्ची का खून हम नहीं, वकम जर्फ करना चाहता है। वकम जर्फ इसे हमेशा के लिए हमसे छीन लेना चाहता है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। आज के बाद उसके परछाई तक हम इस पर नहीं पड़ने देंगे। सब कुछ जानते हुए तुम इसे समझाती क्यों नहीं दमयंती? इसे समझाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बच्ची को मुझसे छीन नहीं सकते, कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं हुआ, जाओ अपने कमरे में चली जाओ। आज के बाद तुम फिर कभी संजय से नहीं मिलोगी, और अगर संजय ने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। खड़े क्यों हो, डरते क्यों नहीं? चल जाओ यहां से। चलो सुमन, आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। ठहरो, आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो, इस
इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। हरदी, हरदी, तू ठीक तो हो ना? तू ठीक तो? अब मैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, भारती, अब मैं बंद करूँ, भारती, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, नर्स क्या बात है डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? पता नहीं ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता आपकी पत्नी। भारती को क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। दुश्मन संजय और उल्लू के पट्टे तू उसे छोड़कर चलाया? अबे क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? तुम नहीं जानते आनंद, मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। सुना तुमने? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता आनंद। और अगर आज आज तुमने वो कहानी सुनी होती ना आनंद। ये सब बकवास है, एक मनगढ़ंत कहानी है। संजय, सुमन तुम इस वक्त यहां? संजय हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत के खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे इस दोस्त के होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त तो अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने सुमन को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम? मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए ठाकुर साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब हो गया। भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुमन, सुमन अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी कहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिराकर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन, मैं तो अब भी कहता हूं आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी को रोक दी। डैम। अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई। देखा बच्चू, पड़ गई ना मेरी जरूरत। अभी हवा निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओफो, अभी अभी मुसीबत आनी थी। मर गए। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो सुन लो। वो तो सिर्फ फिक्र न करो बादशाह, असी किस मर्जी दवा है गया। ऐसा कर, तू पहिया निकाल
मैं अपना जैक लगाता हूँ। कुलदेव सिंह, अब तुम्हारी बेटी की बारी है। उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी पत्नी का हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद, रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। आया यार, आनंद बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की इस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं है। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? हाँ। चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए, अब जरा देवता के भी दर्शन कर लें। कौन देवता? अन्य देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। आइए। Ha!
सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? सांची, मैंने देखा। हाँ, क्या देखा तुमने? सांची, मैंने एक लाश देखी सांची। उसका सर कटा हुआ था, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। संजय, वो मुझे मारना चाहती थी। कैसी पागलों जैसे बातें कर रही हो? हाँ संजय, मैंने कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी थी। अजीब तरह की आवाजें? चलती हुई लाश, वो भी बगैर सर के? संजय, अरे बाबा कुछ नहीं है यहाँ। तुम सिर्फ थक गई हो, कोई डराना ख्वाब देखा होगा। कम ऑन। यह आदमी यहीं आसपास का लगता है, इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। Okay. जल्दी आना। भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? बीजापुर की हवेली? भाई साहब, ठाकुर हरिमान सिंह की हवेली? रास्ता कौन सा है भाई साहब? क्या हुआ? अजीब आदमी है यार, पता ऐसे बता रहा है जैसे गर्दन काटने वाला था। चलो। चौकीदार तो जरूर होगा। ऐसा करो, तुम दोनों यहीं बैठो। हाँ ठीक है, हम लोग देख के आते हैं। चौकीदार, मालिक, अरे कोई है? आनंद। हाँ, मुझे अभी अभी वहां से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। कहाँ? उस तरफ। यहां तो कोई नहीं है। चलो। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है, मेरी माँ है, मंगली। तो तुम कौन हो? यहाँ का चौकीदार किधर है? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार, दुर्जन। आप लोग कौन हैं? हम बॉम्बे से आए हैं। ये ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन है। धन्यवाद हमारे। आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। आइए आइए, अंदर आइए 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 आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की तस्वीर। अरे भाई, तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने।
हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। तररी तररा तररी तररा। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। क्या हुआ? बहुत कशिश है इस तस्वीर में, न जाने ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा आइए। चलो ना सुमन, चलो। रात कैसे कटी? आहा, मजा आ गया। शाही पलंग पर लेटकर रात भर शहंशाही ख्वाब देखता रहा। मैं शहंशाह और सपना हमारी मलिकाए हुस्न। संजय, संजय! सुमन क्या हुआ? तुम यहां क्यों आए हो? खाना खाना नहीं बना ना, चूल्हा नहीं जला ना। वो दुर्जन ने बुलाया तो मैं लकड़ी ले आया, जाता हूँ मैं। अजीब आदमी है। जाता हूँ। क्या बात है मालिक? इसे तुमने यहाँ बुलाया था? हाँ। किस लिए? बगैर लकड़ियों के खाना कैसा पकेगा, और लकड़ियाँ सारे गांव में सांगाई देता है। इसे यहाँ फिर नहीं बुलाना, समझे? चलो संजय। एक सौ आठ। कितनी खूबसूरत झील है, हाय कितना प्यारा समय है। और इतनी रोमांटिक माहौल में प्यार करने के बजाय साला उठक बैठक कर रहा है। आता हूँ श्रीमती जी। कहिए क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम इससे ज्यादा करीब आओगी ना तो मैं मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊंगा और सिर्फ चोटी रह जाएगी। आनंद तुम नहीं समझोगी जाने मन, आजकल के जमाने में अपनी बॉडी को फिट रखना कितना जरूरी होता है।
बॉडी बॉडी बॉडी, हमेशा अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कभी नहीं। तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना जाने मन, तो हिंदुस्तान की आबादी और बढ़ जाएगी। जी कैसी बातें करते हो, मैं चली। लेकिन कहाँ? जहन्नुम में। अरे जहन्नुम नहीं, जंगल है, कोई रीछ तुम्हें खा लेगा। खा लेने दो, तुमसे तो अच्छा है तुम वर्जिश करते रहो जिंदगी भर। जाइए जाइए, बड़े शौक से जाइए, लेकिन अगर जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज दे देना। आदमी था सरदार, वो एक आदमी और तुम छह, फिर भी लौट आए। छक्को हितकार है तुम पर, चूहा के बच्चों गप्पो गप्पो। अरे ए सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरदार मुर्दार सिंह हमारे ऊपर, 15,000 पूर है 15,000। लेकिन अरे तुमने मच्छर सिंह का नाम मिट्टी के तेल में मिला दिया, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लोग गोली मार के मारते हैं, हम गोली खिला के मारेंगे। उठा, अरे उठा, तू तो खुद गिर गया। उठ उठ, हम गोली खिलाएंगे, क्या करेंगे, गोली खिलाएंगे। ये तो जुल्लाब की गोलियां हैं, पिछले साल 2 गोलियां 12 आदमियों को दी थी, जो आज तक जंगल में लोटा लेके घूम रहे हैं, लोटा। बहुत होशियाराना लगता है रे। वो तो सब ठीक है सरदार, लेकिन उस मुर्दार सिंह का क्या होगा? मुर्दार सिंह, तुम टुंडे हो गए मगर अब भी बहुत टहल रहे हो, बहुत जोर है तुम्हारी टांगों में, बहुत जोर है तुम्हारी टांगों में। मुर्दार सिंह, ये टांगे हमें दे दो, ये टांगे हमें दे दो। आ, 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 आ,
सरदार, ये आज जूतों में कीले क्यों ठुकवा रहे हैं? मच्छर सिंह को ठोकने के लिए उसने मेरे दोनों हाथ काट दिए। मेरा नाम भी मुर्दार सिंह है। उसने मेरे इंतकाम के शोले को भड़काया है। मैं कीले वाले जूतों से इसकी ठुकाई करूंगा। मच्छर, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे। छोड़ देगी सरदार मुर्दार, सरदार मुर्दार, सरदार मुर्दार। सरदार, सरदार, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या बात है बसंती? कैसे बताऊं, बताते हुए मुझे लाज आती है। अगर इस तरह शर्माओगी बसंती, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बोलो। उस कमीने ने हमें बेइज्जत कर दिया। यानी कि बलात्कार, तुम्हारे साथ दूसरी बार बलात्कार। इस बार कौन था? इस गांव में दूसरा कौन हो सकता है? वही माटी मिला मच्छर। हाँ, मच्छर का डंक दूसरी बार। सरदार, तीसरी बार वार हुआ तो गांव में मलेरिया फैल जाएगा। मलेरिया नहीं फैलेगा, हम डीडीटी छिड़कवा देंगे। मच्छर को घास लेट के तेल से मार डालेंगे। एक रुपए इनाम और बढ़ा दो। खाना लगाओ। हाँ, लगा दो। दुर्जन, तुम इस हवेली के बारे में क्या जानते हो? यह हवेली खुद एक पहेली है मालिक। बाप दादाओं के जमाने से गढ़ी हुई कई कहानियां सुनता आ रहा हूं इस हवेली के बारे में। लेकिन राजा हरिमान सिंह के जमाने में यहां एक भयानक घटना घटी थी, जिसका मनहूस साया आज तक इस हवेली पर छाया हुआ है। कबीले वालों का कहना है, इस हवेली का पालीघाट के शंकर के पुराने मंदिर से गहरा ताल्लुक है। अभी अभी ये शहरी बाबू मुझसे हवेली के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पता नहीं ये लोग शहर छोड़कर या क्या लेने आए हैं। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। ये लोग उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस हवेली में कहीं तबाह हुआ है। जब भी इस खजाने की बात करता हूँ, क्या पता तेरी माँ को क्या हो जाता है। मेरी माँ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बोल नहीं पाती। बेचारी गूंगी है ना। लेकिन मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस हवेली में खजाना है। है इस हवेली में खजाना। तुम्हें पूरा यकीन है इस हवेली में खजाना है? अगर हवेली में खजाना नहीं होता तो ये लोग इतनी दूर से सुनसान वीरान हवेली में क्यों आते है? चलो अब तुम दोनों की फोटोग्राफ लेते हैं।
अरे भाई ये कोई पासपोर्ट फोटोग्राफ नहीं, जरा रोमांटिक पोज दीजिए। ऐसे कम क्लोजर, यू क्लोजर। हाँ अब तो हम कैमरा में देख ही नहीं सकते। अरे क्यों प्यारे, कोई फंसिया नहीं? आनंद, यहाँ की मछलियाँ बहुत चालाक हैं, कांटे पर मुंह ही नहीं मारती है। आनंद ओरी ना अम्बू बम्बू, अरे ये क्या बोल रही है यार? मेरे ख्याल से ये कह रही है कि मछली मैं खुद पकड़ दूं। ये कैसे पकड़ेगी? अरे ये गई। बेटा तू फंस गया। चलो यहाँ से, नहीं चाहिए हमें यहाँ की मछलियाँ। मछलियाँ बाजार में भी तो मिलती हैं। भूख लगी खाना। चुप कर यार आनंद। खाना खाना लाओ, खाना है खाना लाओ, खाना खाना लाओ। डिनर इज रेडी। ओह माय गॉड, ये मछली है या मगरमच्छ? ये मगरमच्छ सुमन बाजार से जिद में खरीद लाई है ताकि इसे खा के वंस फॉर ऑल तुम्हारा मछलियों पर कांटा मारना बंद हो जाए। यार आनंद, ये औरतों की जात बड़ी शक्की होती है ना? हाँ शक्की होती है। सुमन जल्दी नीचे आओ, खाना ठंडा हो रहा है, तस्वीरें बाद में खींच लेना। आई बाबा आई। क्या हुआ? वो उस तस्वीर में। क्या है इस तस्वीर में? कुछ भी तो नहीं। चलो ना सुमन, खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ? संजय, उस तस्वीर में मैंने एक बहुत भयानक शक्ल देखी। उसका सर कटा हुआ था और उसकी गर्दन में से खून टपक रहा था। जवाब नहीं तुम्हारा सुमन। पुराने मंदिर में तुमने एक लाश देखी जिसका सर नहीं, और यहाँ इस तस्वीर में तुमने एक सर देखा जिसका धड़ नहीं। कहानी अच्छी बन सकती है। हाँ यकीन नहीं आता तुम्हें मेरी बात का। अच्छा चलो बाबा खाना खा लेते हैं। ये गधे पे कौन गधा बैठा है? ये गधा नहीं, रेस का घोड़ा है जाने मन। पूरे 15,000 का नकद इनाम है इस पर। अच्छा जी, तो आप इसे पकड़ेंगे? बिल्कुल, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ मालवल भी कमा के जाएं। देख लेना, 2 दिन के अंदर मैं इस गधे को इसके गधे समेत पकड़ूंगा। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो। अरे सांभा, बसंती है रे। अरे बसंती। हाय राम, हाय राम। मटका फूट गया मटका। मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। जोड़ती हो कि आंख मारती हो? आज हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हें छुएंगे भी नहीं, देखो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा नाच देखेंगे बस। नाच? मुझे नाचना नहीं आता। देखो झमिया, हमसे होशियारी मत करवा, चलो नाचो। कौन है रे? अरे ये हाथ है, हाथ का सूंड है। अरे हवा आने दे रे, हवा आने दे रे। अरे अरे हवाई हवा, हवाई हवा, हवाई हवा। चलो मेरे साथ। कहाँ? सरदार मुर्दार सिंह के पास। मैं तुम्हें उसके हवाले करके 15,000 हासिल करूंगा। मगर मुझे क्या मिलेगा? फांसी का फंदा। फांसी का ले आ हरामजादे को। मेरा चना है अपनी मर्जी का, भाई मर्जी का, भाई मर्जी का।
ही दुश्मन है खुदगर्जी का, भाई खुदगर्जी का, भाई खुदगर्जी का। मच्छर सिंह बोल कटेले, तुमने बड़े संगीन जुर्म किए हैं। मगर बड़े रंगीन किए है ना बसंती। तुमने गांव के कमसिन जवान लड़कियों को छोड़ के, उनका दिल तोड़ के, उनसे मुंह मोड़ के, 70 साल की बसंती से नाता जोड़ा है। अरे बसंती 70 साल की हो कि 16 साल की, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ हमेशा बसंती रहती है। फांसी के फंदे तक पहुँचने के बाद भी सबके सामने इस बुढ़िया की इज्जत ढिंढोरा पीट रहा है। अरे ढंडोरा ही तो पीट रहे हैं, कुछ और तो नहीं पीट रहे। मैं तेरी वो पिटाई करूंगा कि तेरी मोहब्बत का धंधा बंद हो जाएगा। ले जाओ इसे, इसे फांसी पे चढ़ा दो। अरे तू क्या हमको चढ़ाएगा, हम खुद चल जाएंगे। आज तक दुनिया में कोई फंदा ऐसा नहीं बना है जो मच्छर सिंह की गर्दन को अपने फंदे में ले सके। ठहर जा, तक सरदार वो तो भाग गया। तुम भी भाग जाओ, अगली बार जब मैं उसे पकड़ूंगा तो उसकी लाश के साथ साथ तुम्हारी लाश को भी कीले वाले जूतों से कुचलूंगा। अरे अरे कौन हो तुम? अरे सनी देओल हो? अरे घोड़ा है का ये? अरे 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 बहुत ताप था हमको, बहुत ताप था उस जालिम पर, बस पड़ता तो हम उसका टैंक में दबाए देते। अरे कौन हो तुम हमरे देवता? तनिक अपने नकाब हटाए दो, अपना थोपड़ा दिखाए दो। हाय तुम ही तो हमको गिरफ्तार करवाए और हम ही ने तुम्हें बचाया। ऐसा क्यों किए तुम? ये धंधा है प्यारे। कौन सा धंधा है प्यारे, जरा हम भी तो सुने। देखो दिखाओ, पकड़ कर सरदार के हवाले करना और इनाम लेना, और तुम्हें बचाकर फिर वापस लाना, फिर पकड़वाना, फिर इनाम लेना, और इस तरह इनाम लेते जाना। और उस इनाम में से हमारा हिस्सा का है? रुपए में 4 आने तुम्हारे और 12 आने तुम्हारे। मानते हुए ले चलूं सरदार के पास, फिर बचाने वाला नहीं। अरे हिसाब में बहुत कड़क हो मेहरबान। तो मंजूर है? अरे मंजूर है 12 आना। क्या? अरे नहीं 4 आना मंजूर। हाँ। 4 आना मंजूर। तो मिलाओ हाथ। अरे मिलाए लिए, पूरा मिलाए लिए। हाँ। अब आए ना रास्ते पर, आए। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। जिस मकसद से हम बीजापुर आए उसे पूरा किए बगैर हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। ये कोई शैतानी ताकत नहीं, एक शरारत है, हमें यहाँ से भगाने की तरकीब है। और ये जलील हरकत किसकी है इसका जवाब तुम दोगे। जवाब दो, मैं कहता हूं जवाब दो दुर्जन।
आंखों देखी बात को आप झुठला नहीं सकते बाबूजी। ये किसी इंसान की शरारत नहीं, शैतान का कहर है। अगर आप इस बात के गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी मदद कबीले के लोग करेंगे। बिजली, तंबू, बम्बू, हाँ जरा जरूरी काम है, अपने कपड़े पहन लेना। मैं हिंदी जानती हूँ, यही मेरे कपड़े हैं। आओ मुझे उठाओ उठाओ ओ, ओ, मेरे पास रहोगे? मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ। रखना? हाँ, लेकिन पहले तुम दिखाने के लिए तुम मुझे बॉम्बे से यहाँ लाए थे ना? सुमन, मेरा बिजली से मिलना बहुत जरूरी था। ओह, मैं जानती हूँ तुम्हारा जरूरी काम। तुम मेरे साथ हवेली वापस चलते हो क्या? इस चुड़ैल के साथ जंगल? सुमन, मैंने कहा ना, मेरा बिजली के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब अब मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए, सब कुछ यही है। चलो बिजली। आओ ना बाबू। रुक जाओ शहरी छोकरे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भद्रकाली की कसम दूसरा खंजर तेरे सीने के पार होगा। बाबू, ये मेरा भाई है। राका की बहन का हाथ पकड़ने की तेरी जरूरत कैसे हुई? बिजली, कौन है ये छोकरा? ये संजय है भैया, तुमसे हवेली और पुराने मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहता है। पुराना मंदिर? अगर हवेली और पुराने मंदिर की गहराई तक जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो जाओगे। मौत के ये अंधेरे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते राका। कैसे मंजिल? ये मंजिल नहीं, इस गांव की, इस कबीले की तबाही है। 200 साल पहले जो कहर जमीन में दफन हो चुका था, तुम उसे उखाड़ना चाहते हो, जिलाना चाहते हो। नहीं, नहीं छोकरे, अपने शहर वापस चला जा और इस कबीले के आसपास कभी नजर नहीं आना। भद्रकाली की कसम, गर्दन काट के रख दूंगा। तुम्हारी ये धमकियां मेरे इरादे नहीं बदल सकते हैं। और हाँ, इसे अपने पास रखो, तरकारी काटने के काम आएगा। हाँ। ओफो सुमन, क्या तुम सचमुच समझ बैठी कि मैं तुम्हें छोड़कर उस जंगली लड़की के साथ चला गया? तुम समझती क्यों नहीं, इस हवेली का राज जानने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। हाँ सुमन, ये नाटक था कबीले वालों तक पहुंचने के लिए। सच? तुम्हारी कसम। अब मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो ना। अरे थोड़ा मजा आ रहा था, वो भी चला गया रे। अरे थकेले, अबे ओ सूखे करेले, अरे मालिश कर रहा है कि पालिश कर रहा है? अरे दाऊद के जूते है का? नहीं, नहीं, नहीं। अरे मच्छर सिंह है रे, अरे हमरी पीठ पत्थर की ईट है, जमा के तगड़ा हाथ लगा रे। ताली, अरे कहाँ है हमरी दुनाली? अरे ताली नहीं, गोली थी, हम चले खोली में। अरे अरे तुम लोग तो खामा खा ही डर गए रे। अरे ये तो अपना ही आदमी है। अरे दोस्त, का खबर लाए हो? खबर बहुत अच्छी है, तुम्हारा इनाम दुगला कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन इस बार तुम्हें फांसी नहीं देंगे। तो फिर क्या देंगे?
तुम्हारी सजा बदल दी गई है। क्या है? इस बार तुम्हें सिर्फ जिंदा जंगली रीछ के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम जिंदा रीछ बहुत दिन से नहीं देखे हैं। जिंदा रीछ के पिंजरे में, यानी के भालू। अरे हमरा तो बन जाएगा कचालू। अरे चालू, कोई तरकीब चला। तू घबराता काहे को है रे? देख, पिंजरे में जो भालू होगा ना, वो असली भालू नहीं होगा। तब भालू की खाल में ये तेरा गड़बड़ घोटालू होगा। ए गड़बड़ घोटालू, तू तो सचमुच का है चालू। जैसे शेर की खाल में भेड़िया, वैसे ही रीछ की खाल में तू होगा। और तेरे सामने हम होंगे और हम सीना ठोंक कर कहेंगे, मुर्दार सिंह, तू सचमुच मुर्दार है, तू सचमुच मुर्दार है रे। हमको भालों में घेर के, हमको भालू के पिंजरे में डाल के मरवाना चाहता है। अरे कालिया, तुम भी कान खोल कर सुन लो बचुआ। पिंजरे के अंदर सही सलामत खड़े हो, पिंजरे से बाहर निकले ना तो तुम्हारी बोटी कबाब बना के भाई कल्ला के रे रोड पर भेज देंगे। अबे मैं आनंद हूँ। अरे तो होगा आनंद। अबे ये असली भालू है। अरे मैं भी असली हूँ। अबे मुझे रीच की खाल नहीं मिली। खाल नहीं मिली? सरदार ये तो फिर भाग गया। तुम भी फिर भाग जाओ। मेरे से बड़ी ना इंसाफी हुई। मच्छर सिंह तो भाग गया, मैं ना उधर की रही ना इधर की। घबराओ नहीं, हम इधर उधर दोनों तरफ से इंसाफ करेंगे। वो जहांगीरी इंसाफ करेंगे कि जहांगीर भी नीचे आके हमसे माफी मांगेगा। हम तुमसे शादी करेंगे। शादी? और आप? आपके तो दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो सिर्फ हाथ ही कटे हैं ना, फिर शादी का हाथ से क्या मतलब? हम शादी करने के बाद सुहाग रात के लिए लंदन जाएंगे एयर इंडिया प्लेन से, वहां जाके दो नए हाथ बनवा लेंगे। बड़े मजे की बात है, मेरे दांत भी नकली है, वहाँ जाकर दूसरे लगवा लोगी। और एक बात मैंने आपसे नहीं कही, मैं सर से गंजी हूँ, वहाँ जाकर नई वीक बनवा लूंगी। Thank you.
सुमन। मैं छोड़ दे मुझे, मैं उसे मार डालूंगी। किसे मार दोगी? उस तस्वीर को, मैं उस तस्वीर को मार डालूंगी। कितनी बार सुमन, कितनी बार तुमसे कहा है उस तस्वीर में कुछ नहीं, पागल हो गई हो तुम? चल चलो मेरे साथ। मेरा पैर। ओफो आनंद, लगता है तुम भी सुमन की तरह पागल हो गए हो। तस्वीर में से खून कैसे बह सकता है? तो फिर सुमन के हाथों में लगा हुआ वो खून कैसा? उसके हाथ में कोई जख्म नहीं। नहीं, ये किसी की चाल है। और तस्वीर के पीछे वो शगाफ, ये भी किसी की चाल है? शगाफ? हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। एक ऐसी दरार जिसके अंदर जाने का रास्ता है, और वो रास्ता जरूर हवेली के किसी खास हिस्से की तरफ जाता है। आनंद, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। ठीक है। यहां तो कुछ भी नहीं, कुछ मिला क्या? नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है, लगता है यहां परसों से कोई आया नहीं। संजय, वो देख। त्रिशूल? क्या हो सकता है इस बक्से में? चल देखते हैं। मैंने कहा था बकवास मत करो। इस बॉक्स में कटा हुआ सर लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जिसे किसी राजा ने यादगार के तौर पर हिफाजत में रखा होगा। कल सुबह तुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहां आएंगे। इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों?
आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। ठीक है ठीक है, तो चलो पति बुझने का इंतजार करते हैं। है? चलो सपना ऐसा करो ना, लगता है बात मोच आ गई है। हाँ कम से कम 2-3 दिन तक बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा, चलना फिरना बिल्कुल बंद। हाँ सुमन? बंद क्यों, हमारी सुमन चलेगी भी घूमेगी भी। ये व्हीलचेयर नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। थैंक यू आनंद। भाई रात काफी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मालिक मालिक सांगा को रोक लीजिए। ओ उस कटे हुए सर को लेकर पुरानी मंदिर की तरफ भाग गया है। बाबूजी बाबूजी फौरन नीचे आइए। बाबूजी सांगा को रोक लीजिए। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी जल्दी आइए। मालिक लेकिन दुर्जन सांगा उस कटे हुए सर को पुरानी मंदिर की तरफ क्यों लेके गया? क्योंकि बाबूजी अगर उस शैतान सामरी का सर इस हवेली में से निकला है तो शायद उसका धड़ उस पुराने मंदिर के पास कहीं दफनाया गया है। बाबूजी अगर वो सर उस धड़ से मिल गया तो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा। बाबूजी बाबूजी जाइए, ओ सांगा को रोकिए। बाबूजी बाबूजी जाइए जाइए। Order! Look out, Anna!
और जल्दी चलो और दे। दुर्जन, सपना कहाँ है? यही तो थी। ये आवाजें कैसी? घबराओ मत बेटी, तुम यही रहना। मैं अभी हवेली का बड़ा दरवाजा बंद करके अभी आता हूं। आनंद, खंडरों में देखते हैं। चलो आनंद, कॉफ़ी।
सपना, 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 मैंने अभी अभी एक बहन ने ख्वाब देखा, एक एक अजीब सपना था। दमयंती, सुमन की जान खतरे में है। नहीं, हाँ, नहीं। हम एक पल यहाँ नहीं ठहरेंगे, आज ही बीजापुर जाएंगे, आज ही। हाँ
आखिर तूने बरसों के सोए हुए शैतान को जगा ही दिया। अब मौत का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसमें सब बह जाएंगे और इस तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो। कसम भद्र काली की, इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता है, भद्रकाली को तुम दोनों के खून की बलि छोड़ दो इसे। राका। हाँ। भद्रकाली की कसम, राका इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देगा अपने इन हाथों से। महादेवी को इसके खून की बलि, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। शहरी कुत्ता मुझे जिंदा या मरता चाहिए। वो यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। आ मेरे साथ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम फौरन बॉम्बे वापस चले जाएंगे। हाँ सुमन, लेकिन लेकिन पहले हमें आनंद को ढूंढना होगा। वो जरूर शैतान की तलाश में पुराने मंदिर की तरफ गया होगा। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? कहाँ छुपा रखा है उसे? कहाँ है मेरी बहन का कातिल? बोल। मुझे जाने दो, मुझे नहीं मालूम। या बता हरामजादे, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो, मेरे सर पर खून सवार है। तुम्हारे सर पे मौत सवार है हराम जादे। जाने दे मुझे। मैं कहता हूं जाने दे मुझे। मैं कहता हूं जाने दे मुझे। आनंद, 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 आनंद,
तक पहुंचने से पहले तुझे चट्टान पर से गुजरना होगा। संजय को लेकर यहाँ से चला जा, मैं इसे रोकता हूँ। पागल हो गए तुम आनंद, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जिद मत करो संजय, ये शैतान सुमन उसके खानदान का खून करता है, ये सुमन को जान से मार डालेगा। नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। सुमन, ये सुमन की जान का सवाल है। वो होता है जो दोस्त के लिए जान दे दे। पापा, पापा देखो क्या हुआ, हम लोगों की जान बचाने के लिए आनंद ने अपनी जान दे दी और पापा उस शैतान ने सपना को भी मार डाला। इस शैतान का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं बेटी, इसे तो सिर्फ एक ही महाशक्ति खत्म कर सकती है और वो है हमारे पिता परमेश्वर भोलेनाथ। हाँ चले, उन्हीं से मांगे हमारे प्राणों की भीख। सुमन वो त्रिशूल यही था। संजय वो देखो, सुमन मैंने ये कॉफिन तो पुराने मंदिर में देखा था। पुराने मंदिर में? हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? सुमन वो त्रिशूल यही होना चाहिए, यही कहीं हवेली में होना चाहिए। Thank you.
आवाजें कैसी? देखते हैं। लेकिन ये शैतान, भगवान शंकर के इस त्रिशूल के होते हुए ये शैतान इस कॉफिन से बाहर नहीं निकल सकता। चलो आओ, जला दो, भाग कर दो इस हवेली को, चल जाने दो उस शैतान को इस मनुष्य हवेली के साथ। बीजापुर के वासियों, वहीं रुक जाओ, तुम लोग इस हवेली को नहीं जला सकते। मैं सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहता हूं, और आधे घंटे के अंदर मैं खुद उस शैतान को इस हवेली के बाहर आप लोगों की आंखों के सामने जलाकर राख कर डालूंगा, राख कर डालूंगा मैं उसे। और अगर आधे घंटे के अंदर तुम उस शैतान पर काबू ना पा सके तो तुम लोग इस हवेली को आग लगा सकते हो। शैतान को चला दो इसे। नाज है बेटे, हमारे खानदान पर लगे हुए 200 साल पुराने कहर का तुमने आज नाश किया। I am really proud of you, my son.
जीते रहो, जीते रहो।